हाय गाइस वेलकम बैक टू माय चैनल तो मैं अपने चैनल पे एक सीरीज़ क्रिएट कर रही हूँ जो सेलिब्रिटीज़ ने लुक्स क्रिएट की थी अनंत अंबानी की प्री वेडिंग में तो वो मैं लुक्स क्रिएट करूँगी अपने चैनल पे तो सबसे पहला जो लुक है वो है दीपिका पाडुकोन का, का बहुत ही ब्यूटीफुल सिंपल येट ग्लैमरस लुक और मुझे बहुत अच्छा लगा तो तो चलिए साथ में लुक क्रिएट करते हैं बहुत ही ईजिली मैं आपको एक्सप्लेन करूँ ओके तो सबसे पहले मैंने वेयर की है लेंसेज मुझे बहुत अच्छा तरह से आपका आई मेकअप और ज़्यादा खिलकर आता है फिर तो मैं यूज़ करने वाली हूँ ग्लो रेसिपी का सरम ये भी बहुत अच्छा है और इसको रहने दूंगी अपने फेस पर कम से कम पंद्रह से बीस मिनट तक क्योंकि स्मोकी आई लुक है तो अपना आई मेकअप पहले करें ओके okay? मैं लगाने वाली हूँ ये आई प्राइमर फ्रॉम जूवियाज बट आप कोई भी कंसीलर यूज़ कर सकते हैं थोड़ा सा लाइट हो तो ज़्यादा अच्छा है ओके मैं यूज़ करने वाली हूँ जैकलिन मॉर्फी वन पैलेट और जैकलिन हिल वॉल्यूम वन पैलेट फ्रॉम मॉर्फी और इसको लगाऊंगी इस ब्लैक शेड को पूरे आईलेट पे ओके okay? जस्ट प्लेस द कलर ब्लैंड नहीं करना है बस प्लेस करना है अब मैं इस ब्रश को लूँगी इन दो ब्रशेज को एक्चुअली ब्रशेज़ को यूज़ करूंगी मैं सबसे पहले छोटा वाला यूज़ करूंगी और मैं इन दो कलर्स को मिक्स करके अपने क्रीज पर लगाऊंगी टू डिफ्यूज़ द ब्लैक शेड जो आउटर कॉर्नर्स ऑफ ब्लैक है ना आपको उसको डिफ्यूज़ करना है ओके सर्कुलर मोशन में आपको वाइपर मोशन नहीं सर्कुलर मोशन ओके वाइपर मोशन आपको कब यूज़ करना है वो मैं आपको बताऊंगी बाद में सबसे पहले इन दोनों कलर्स को लगा लिया अच्छे से सो दैट की एक ट्रांजिशन क्रिएट हो जाए ब्राउन एंड ब्लैक का और कोई गैप नजर ना आए ओके फिर मैं यूज करने वाली हूं इस लाइटर शेड को फ्लफी ब्लेंडिंग ब्रश की हेल्प से और अब आपको वाइपर मोशन यूज करना है ओके सो दैट की जो कलर्स हैं वो बिल्कुल अच्छे से ब्लेंड हो जाए कोई हार्श एजेस ना रहे ऑल राइट सेम ब्लैक शेड लूंगी क्योंकि जब आप कलर्स को ब्लेंड करते हैं ना तो ब्लैक शेड थोड़ा सा डिफ्यूज़ हो जाता है थोड़ा सा फेड हो जाता है तो आपको कलर लेना है और आराम से उसको प्लेस करना है अगेन सेम टेक्निक ब्लेंड 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 इन सर्कुलर मोशन विद अ स्मॉल ब्रश और फिर फ्लफी ब्रश की हेल्प से आप सारे कलर्स को अच्छे से ब्लेंड कर लो ओके ब्लैक कलर को नहीं ब्राउन एंड डार्कर ब्राउन को ओके वेरी ईजी चलिए आईब्रोज बनाते हैं तो मैं यूज़ कर रही हूँ सेम पैलेट में सेस डार्क ब्राउन शेड को और इससे अपने आईब्रोज़ को फिल करूँगी क्योंकि दीपिका की जो आईब्रोज है बहुत ही बुशी बहुत ही थिक है सो मैं सेम लुक क्रिएट करने की कोशिश कर रही हूँ और अब मैं आपको दिखाऊंगी क्यों मैंने बोला कि आप पहले स्मोकी स्मोकियाज़ करें सी कितना ज़्यादा फॉल आउट होता है और यू नो अगर आप बेस कर लोगे पहले और फिर बाद में आई मेकअप करोगे एंटी नैलस यू आर नॉट प्रो ओके तो फिर ख़राब हो सकता है आपका बेस मैं यूज़ करने वाली हूँ मॉइस्चराइजर और उसके बाद मैं यूज़ करूँगी स्विस ब्यूटी का ये क्रीम जो कि बहुत ही अच्छा इल्यूमिनेशन प्रोवाइड करता है एंड दीपिका का अगर फेस देखिए बहुत ही ज़्यादा ग्लोई नेचुरल काइंड ऑफ लुक है तो मैं यूज़ करने वाली हूँ पोर फिलिंग प्राइमर जस्ट अराउंड माई नोज थोड़ा सा फोर हेड पे और थोड़ा सा अपनी चेन की साइड पर लगाऊंगी और जहाँ जहाँ आपके पोर्स है वहाँ पर आपको लगाना है मैं लुक को बहुत ज़्यादा नेचुरल रखने वाली हूँ इसलिए मैं यूज़ करने वाली हूँ मे बिल इनका ये स्किन टेंट ओके आप कोई भी लाइट कवरेज फाउंडेशन भी यूज़ कर सकते हैं और अगर आपके फेस पर ज़्यादा कुछ हाइपर पिगमेंटेशन है तो आप कोई भी फुल कवरेज भी यूज़ कर सकते हैं राइट फिर मैं इसको अच्छे से लगाऊंगी विद्प्रशन लेटर ऑन नो आई लविंग ब्यूटी बलेंडर ओके सो देस नजर न आए वैसे तो यह ब्रश बहुत ज्यादा अच्छा है मार्स कॉस्मेटिक्स का है, जरूर ट्राई करना अब मैं यूज करने वाली हूँ कंसीलर फ्रॉम ऑर्फी और मैं अपने स्किन से मैच करता हुआ कंसीलर यूज करूंगी सो so दैट की जो डार्क सर्कल्स आप देख रहे हैं ना मेरे काले घडे वो कंसील हो जाए ओके okay? अगर आप लाइटर शेड यूज़ करोगे वो नहीं कवर करेगा आपको अपनी स्किन टोन से मैच करता हुआ कंसीलर ही यूज़ करना पड़ेगा ऑल right? और फिर उसको ब्लेंड करूँगी पहले ब्रश से एंड देन लेटर ऑन ऊपर देखें एंड ब्यूटी ब्लेंडर से अच्छे से ब्लेंड कर लीजिए ऑल राइट अब जैसे कि आपने स्मोकी आइज़ की हैं तो ऑब्वियसली यू नीड टू यूज़ अ लाइटर शेड ऑफ कंसीलर जो आपके स्किन से एक या दो शेड लाइटर हो मैं एक शेड यूज़ कर रही हूँ लाइटर ओके ज़्यादा लाइटर मुझे पसंद नहीं है बस इसको थोड़ा थोड़ा लगाऊंगी ज़्यादा नहीं लगाना वरना वो केक ही लगती है आपके अंडर आइज़ और जब आप इस तरीके से लाइटर कंसीलर यूज़ करते हैं तो आपके जो फेशियल फीचर्स है वो बहुत अच्छे से स्टैंड आउट होते हैं क्रीम प्रोडक्ट्स मैंने लगा लिए अब पूरे फेस को सेट करूँगी यूजिंग के ब्यूटी बनाना सॉरी वनीला पाउडर ओके और इसको मैं लगाने वाली हूँ विद प पाउडर पफ बिल्कुल लाइट हैंडली और फिर मैं ब्रश यूज़ करूंगी और हल्के हाथ से पूरे फेस पे लगाऊंगी बिल्कुल हल्के हाथ से अगर आपकी ड्राई स्किन है तो आप स्किप भी कर सकते हैं ब्रॉन्जर लगाऊंगी क्योंकि अगर आप दीपिका का फेस देखें शी हैज इन डर्न एनी काइंड ऑफ कॉन्टोरिंग बोज ब्रॉन्जी लुक है ओके okay? तो ब्रॉन्जर यूज़ करी रिमेल्क और काव आउट कर करी अपनी चीक्स से यूजिंग सेम पाउडर अब ब्लश लगाऊंगी ये पीच सा ब्लश लगाऊंगी पीच नहीं आई थोड़ा सा कोरिलिश पीच आई से और बस विद हेल्प ऑफ मार्स एंगुलर ब्रश और बहुत कमाल का है और फेस पे हाइलाइटर लगाना तो बनता ही है और ये है प्रेशियस पेटल्स माई फेवरेट एंड आई लव दिस हाईलाइटर बहुत अच्छा सा ग्लो प्रोवाइड होता है नेचुरल सा और आपको इनर आउटर कॉर्नर्स में ज़रूर हाईलाइटर लगाना है पे लगाऊंगी बीजे है आप पता ये कहाँ कहाँ लगाती हूँ मैं राइट right? अब मैं अपने लोअर लाइट लाइन पे लगाऊंगी काजल क्योंकि दिस लुक इज ऑल अबाउट आईज नो यू आईज आइज आई स्टैंड आउट होनी चाहिए फिर मैं लोअर लाइन पे सेम कलर्स लगाऊंगी जो मैंने अपने क्रीज पे लगाए हैं डार्क ब्राउन एंड लाइट ब्राउन शेड्स और डिफ्यूज करूंगी डोंट यूज ब्लैक ब्लैक लुक्स वेरी हार्श अगर आप समझ करें ओके okay? काजल को यूज डार्कर ब्राउन शेड्स दैट लुक्स मोर नेचुरल ओके अपने लिप्स को लाइन करूंगी यूजिंग मॉर्फी लिप लाइनर इन द शेड बाइट मी और फिर में करने वाली हूँ के दो लिपस्टिक्स आ, एक स्टैक आता है या बहुत ही प्यारा कलर है और अगर आप दीपिका का फेस देखें देखे, तो बहुत म्यूटेड है और जब आप स्पोकियाज़ करें ना तो लिप्स को म्यूटेड ही रखें ओके okay, गाइज और ब्लोड कर लीजिए टिश्यू पेपर सो दैट की आए चलिए अब पूरे फेस को सेट करते हैं यूजिंग दिस रेड ब्यूटी मेस्ट ये आपके मेस फेस को मेस फेस फेस को सेट कर देगी और साथ में बहुत अच्छा ग्लो भी प्रोवाइड करती है क्योंकि इसके अंदर ऑयल है बट अगर आपका फेस ऑयली है तो प्लीज़ आप इसको स्किप कर सकते हैं यू कैन यूज़ एनी काइंड ऑफ सेटिंग स्प्रे टू सेट योर फेस ओके अब मैं थोड़े से फाइनल टचेस करूँगी जो कि है लाशेज़ पहले मैंने लगाई है बहुत ही उभरती हुई लाशेज़ जो कि मेरे को अच्छी नहीं लगी फिर मैंने दूसरी लगाई उसके बाद मैं अपने आई को अच्छे से यू you नो know, फिर से शेप दे रही सो दैट की जो भी पाउडर वाउडर गिराना वो सब हट जाए एंड दैट्स अ फाइनल लुक मैंने ब्रेड किया है एंड ये जो ज्वेलरी है एक है कोहि नूर ज्वेलरी की एक मैंने ली थी uh, जनपद से और ये एयरिंग्स मैंने लिए है अमेज़ॉन से बहुत ही ब्यूटीफुल लुक टर्न आउट हुआ है आप इस आने वाले वेडिंग सीजन में ज़रूर क्रिएट करना इस लुक और अगर आप क्रिय ट्रेकर, क्रिएट करते हो तो प्लीज़ मुझे इंस्टाग्राम पर ज़रूर टैग करना विथ पिक्चर्स आई वुड लव टू सी कैसा लगा आपको मेरा पहला रिक्रिएशन वीडियो एंड स्टे ट्यून फॉर मोर सच रिक्रिएशन बहुत सारे आने वाले हैं एंड या yeah, बहुत सारे आपको मेकअप लुक्स मिलेंगी फॉर अपकमिंग फेस्टिवल्स ओके और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो लाइक्ट वैंड बाई आई लव यू ऑल वेरी वेरी मच टेक केयर बाइ